बस ये कैमरा, ये कितने का बता रहे हो भाई? कैमरा भाई 1200 रुपए का, कम ज्यादा करके कितने का पड़ेगा? 1500 रुपए का है ना? ये कितने का है? ये भी इतने का ही 1500 रुपए का एयरटेल का। आपको पता है इसकी मार्केट रेट कम से कम 80,000 रुपए से कम नहीं होगी। इनके पास जो चीजें मिल रही है ना सब ओरिजिनल और ओके है ना। बताओ क्या लेके आए आप? आईफोन एक्स कितने रुपए का लाए? मात्र 3000 रुपए का। भाई यार बड़ा सस्ता दिखा रहा। पुराने पुराने भाई सिक्के होंगे आपके पास? बादशाह के टाइम के भी है क्या? ओ भाई जो सिक्के आपने कभी नहीं देखे होंगे वो सिक्के आज देखे। ये जैकेट है मात्र पता कितने रुपए की? मात्र 200 रुपए की है दिल्ली में। देखो भाई बिल्कुल फ्रेश पैंट है यहाँ पर, मात्र 300 रुपए में। दो 300 रुपीज में 2 पीस ब्रो। आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या मुझे ये पैंट लेनी चाहिए, क्योंकि ये मात्र मेरे को 150 रुपए में मिल रही है, बहुत सस्ती है। उन्होंने बताया मेन चोर बाजार कहाँ में लगता है भजन? अंदर जाओ, मतलब जाओ मुझे। तो गाइस फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। जैसे कि आपको पता है मात्र 300 रुपए में दो वहाँ पे पैंटे मिल रही थी, और भी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। अभी देखते हैं, मैं आईफोन ढूंढता हूँ। मेन तो आईफोन है हमारे को चाहिए, देखते हैं। आपको बता दूं गाइस कि मैं ब्लॉग बना ही रहा था, ये हमारे भाई लोग मिल गए। कहाँ से? अपन तेलंगाना से। तो क्या ढूंढ रहे अपन? मोबाइल। तो चलो भाई के साथ में चलते हैं, मोबाइल ढूंढते हम भी और भाइयों को भी ढूंढाते। आ जाओ मेरे साथ। देख सकते हो गाइस यहाँ पे टेम्परेचर पता कितना चल रहा है। सुबह का 9 टेम्परेचर रहा, और सुबह जब मैं उतरा था वो 6 चल रहा था। तो देखो दिल्ली में कितना भयंकर ठंडी पड़ रही है। 8:30 सुबह की बज गई है, 8:30 सब्जी की देख सकते हो, 8:30 बजने वाली है। और ये मैंने 100 रुपये में ई रिक्शा करा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जल्दी आना था चोर बाजार में। क्योंकि असल में क्या हुआ कि वो रिक्शा वाले ने मेरे को थोड़ा भटका दिया, तो मेरे को यहाँ पे जल्दी आना था, तो मैंने 100 रुपये इनको दिया और यहाँ पर आ गया हूँ जल्दी से जल्दी। पर आप आओ तो थोड़ा ध्यान रख कर के आओ। देखिए सामने आप लाल किला, आप सामने देख सकते हो, सामने लाल किला है। और ये हमारे भाईजान है, इन्होंने बताया मेन चोर बाजार कहाँ में लगता है भाईजान? अंदर जाओ, मतलब जाओ मस्जिद की तरफ जाओ। आप जाओ मस्जिद की तरफ जाना है। चोर बाजार किस साइड लगता है? मेन चोर बाजार किस साइड लगता है? अंदर जाइए ना, पार्किंग में है मेन चोर बाजार। चलिए आइए, चलो लोग मिले हमारे साथ में ब्लॉग बनाने में मदद करता है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोलता है हाँ पक्का मिलेगा भाई। पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बता दूं गाइस, ये जैकेट मुझे बहुत पसंद आ रही है। ये कौन है दुकान वाला? ये दुकान वाला नजर नहीं आ रहा, खोलो इसको दिखाओ। हाय हाय एक नंबर, अच्छा है, बहुत मस्त है। कोई है क्या? देखिए गाइस ये 200 रुपए की मात्र भाई बता रहे, माशाल्लाह बहुत शानदार है। ये देखिए ये जैकेट है मात्र पता कितने रुपए की? मात्र 200 रुपए की है दिल्ली में। काफी सस्ती है यार, दिल्ली चोर बाजार है ना? हाँ, दिल्ली चोर बाजार में मात्र 200 रुपए की। ये 100 का एलईडी, सच में 100 का लेके आए भाई? ये कह रहे कितने से लेके आए? 100 रुपए का मात्र है। और ये 100 रुपए का, ये क्या है? अरे वाह यार मौज कर दी, आ जाओ चलो दिल्ली चलो यार भाई। सच में यार सस्ता और अच्छा है। हाँ, चलो बड़े बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे पैंट भी मिल जाएगी। कितने की भैया पैंट? कितने की है? 200। मात्र 200 रुपए में जींस की पैंट है, खोल के दिखा दो एक। देखिए मात्र 200 रुपए की पैंट है, अगर चोर बाजार में आए तो आप ले सकते हो ये सुबह सुबह का। देखिए काफी बड़ा मार्केट है। क्या लेके आए आप? आईफोन एक्स कितने रुपए का लाए? मात्र 3000 रुपए का। भाई यार बड़ा सस्ता दिखा ना खोल के, और क्या बात है, एक नंबर। सामने गाइस देख लो ये लाल किला है, देख सकते हो आप, सामने जूम करके दिखा देता हूँ। ये सामने लाल किला है, और लाल किला के सामने यहाँ पे पार्क है। यहाँ पे पार्क के अंदर पे ही आपको बता रहे भाई की भाई तुम्हारा यूट्यूब चैनल है मिस्टर खान अजमेर, ये भाई बता रहे पार्क के अंदर ही आपको मिलेगा। ओके भाई, अबे भाई बड़ा क्राउड लग रहा है आज के दिन, तो सुबह संडे देखिए काफी क्राउड है। यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है, और कुछ नजर नहीं आ रहा है, पब्लिक ही पब्लिक है भैया। देखो मजा आ रहा है, अरे क्या बात है। कहाँ से आए अपन? दिल्ली से ही हो गया, क्या बात है। देखिए काफी क्राउड ही क्राउड है भाई यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे बैगे भी मिल रही है। ओ भाई ये नाइकी वाला कितने का बैग? 250 रुपए का। ओके, देखिए यहाँ पे जूते चप्पल भी मिल रहे हैं, सेकंड हैंड भी है, नए भी है, देख सकते हो भाई। ये वाले जूते कितने के? ये वाले 550 रुपए के, जो मार्केट में 1000-1200 के मिलते हैं वो यहाँ पे 550 रुपए के दे रहे हैं भाई। देखो देखिए यहाँ पर ये बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं घर का दस्तरखान कह सकते हो। ये सेटअप कितने का चाचा जान? 200 रुपए के 6 बता रहे चाचा जान हमारे। देखिए यहाँ पे काफी सस्ता चीजें बेच रहे हैं। स्पीकर तो नहीं मिले, ये जरूर फोन मिल रहा है। देखो जो फोन कहीं नहीं मिल रहा वो भाई के पास मिल रहा है। भाई कितने का ये फोन?
अच्छा ये वाला अच्छा फोन कितने मात्र 300 रुपए का कितना कौन सा एयरटेल का फोन है क्या देखो एयरटेल का फोन है भैया 300 रुपए का ये क्या बात है और गेम का भी है यहाँ पर देखिए ये क्या हीटर है क्या ये क्या बोलते हैं गाड़ी में बैठो सीधा लाल किला और ओरिजिनल चीज यही मिलेगी है ना भैया क्या बात है यहाँ पे शॉर्टर भी और यहाँ की बिरयानी भी अच्छी मिलेगी ओहो बहुत बहुत शुक्रिया हीटर कितने का होता है वापस बता दो एक बार 250 रुपए का हीटर है घर का देखो घर गर्म हो जाएगा तुम्हारा चलो ठंडी में गर्म हो जाएगा भाई चलो भाई मैं आपको बता दूं कि लाल किले के सामने ही जब आप आओगे ये पूरा मार्केट लगा हुआ है और मार्केट के सामने ये रहा पार्क अब हम इसके अंदर जा रहे हैं यहाँ पर बता रहा बंदा की कुछ है हाँ इसके अंदर ही बता रहा कि आईफोन वगैरह मिलेंगे देखते हैं ये भाई से पूछेंगे भाई आईफोन कहाँ मिलेंगे अंदर ही मिलेगा भाई बताया आईफोन देखिए कपड़े हैं अब देखते हैं यहाँ पे अगर आईफोन मिल गया तो अच्छा ही है ढूंढते हम भी क्योंकि शूटिंग में आईफोन से जा रही है यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल फ्रेश पैंट है यहाँ पर मात्र 300 रुपए में दो 300 रुपीज में टू पीस ब्रो वाह क्या बात है भाई एक पैंट दिखा दो यार 300 रुपए में दो पैंट है भाई देख सकते हो बिल्कुल ओके मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक पैंट ले लूँ 300 रुपए में दो राइट कपड़ों के अलावा दुकान के कोने में जब जाओगे ना आप दुकान के कोनों में ही आप लोगों को ये देखे ये आ गए हम लोग यहाँ पर अब कोनों में जाता हूँ कोनों में देखता हूँ क्या क्या मिलता है कुछ तो मिलेगा ये देखिए चाची के पास यहाँ पे बहुत पुरानी घड़ी है देखिए काफी पुराने जमाने की घड़ी है चाची की यहाँ पे हमारे कश्मीरी भाई लोग भी आए कश्मीर से यहाँ पे सामान सस्ता खरीदने है ना जी बिल्कुल कैसा लग रहा है यहाँ का मार्केट सस्ता है और अच्छा है ना यहाँ पर मैं आया हूँ चाचा जान के पास में काफी सारी चीजें हैं ये चाचा जान कितने का ये वाला कितने का चाचा तो गाइस फाइनली आपको बता दूं चाचा जान ने मुझे बताया ये 70 रुपए का मात्र 70 रुपए का हेडफोन है देख सकते हो काफी सस्ता है यार यहाँ पर कितने का होगा ये 100 रुपए में देखिए अब प्रेस मिल रहा है यहाँ पर यार और ये भाई के पास भी देखिए कैमरे वैमरे सब कुछ बहुत सस्ते हैं देख सकते हो और आपको बता दूं जो संडे का जो बाजार लगता है ना इससे जैसे चोर बाजार कहते हैं यहाँ पे काफी पुरानी चीजें मिलती है आप चोर बाजार जो कहते हैं तो चोर बाजार कह सकते हो बाकी यहाँ पे आपको काफी सस्ती चीजें मिलती है और पुरानी चीजें मिलती हुई चली हुई चीजें मिलती है इस वजह से इसका नाम चोर बाजार है ये 4000 रुपये का मात्र कैमरा है यहाँ पर आप इसे तो बहुत सस्ता कैमरा है अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो चोर बाजार में सस्ते में चीज ले सकते हो ये सर रियल में कितने रुपए होगा अंदाजन मतलब दुकान में लेंगे तो अपन हाँ कितने रुपए होगा वैसे दुकान में कैमरा ये होगा बस ये कैमरा ये कितने बता रहे हो भाई कैमरा 1200 रुपए का कम ज्यादा करके कितने का पड़ जाएगा ये 1000 रुपए पड़ जाएगा जो कि आपको पता है इसकी मार्केट रेट कम से कम 80000 रुपए से कम नहीं होगा आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरे भी मिल जाएंगे आपको जो घर पे लगाने के हैं और यहाँ पे सब चीजें मिल जाएंगी मशीनें भी मिल जाएंगी ये आईपैड कितने का भाई ये 800-500 रुपए का वाह भाई बड़ा सस्ता बता रहे हैं यार ये तो और वो वाला फोन पड़ा हुआ है कहाँ गया वो छोटा सा पड़ा आईफोन नहीं है आईपैड आईपैड है वो भी 300 रुपए का क्या बात है तो देखिए दिल्ली के चोर बाजार में जब आओगे तो बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिलेगी बाकी ये सारी सेकंड हैंड चीज मिलती है चोर बाजार के नाम से तो फेमस कर रखा है ना मिलती सारी सेकंड हैंड चीजें यहाँ पे चोर बाजार के नाम से खामा का फेमस कर रखा है ये हमारा छोटू कैसा भाई कैसा है माहौल मार्केट कैसा चल रहा है आज सही चल रहा है चलिए बहुत बढ़िया तो अपने पास फोन वगैरह भी आते हैं क्या बस यही चीजें बेचते हैं ना 2500 का पड़ेगा 3000 का बता रहे हैं बता दूं गाइस कि भाई बिजी हैं कोई बात नहीं पर इनके पास जो चीजें मिल रही है ना सब ओरिजिनल और ओके है ना चालू चीजें ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं इनके पास ओरिजिनल ओके चीजें हैं सारी और चालू हैं छोटू ये गाड़ी कितने की वाली हाँ 2000 रुपए की है अल्ट्रा है क्या ये ओहो चालू करके दिखाना यार भाई देखिए भाई छोटू बता रहा है कि चालू घड़ी अरे वाह यार कम ज्यादा कितने की हो जाएगी ये 1500 दिखाइयो देख भाई ने बोला कि 2000 रुपए पर 1500 रुपए में दे देगा जो कि इसका रेट मार्केट में क्या है इसका रेट क्या होगा मार्केट में मतलब ओरिजिनल इसका तो भाई पता नहीं क्या रेट होगा बाकी काफी शानदार लग रही है देख सकते हो अल्ट्रा लो भाई ये दोनों चेक करा रहा और ये भी है देखो यहाँ पर ये भी है बता दूं ये देखिए चोर बाजार में जब आप आएंगे ना तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी और जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे भाईजान के पास मिल रहे हैं पुराने जमाने के सिक्के देखिए कितने पुराने भाई सिक्के होंगे आपके पास बहुत पुराने
बहुत ज्यादा पुराने पुराने सिक्के देख सकते हो। बादशाहों के टाइम के भी हैं क्या? ओ भाई देखिए बादशाहों के टाइम के भी यहाँ पे सिक्के मिलेंगे आपको पुराने पुराने। देखिए जो सिक्के आपने कभी नहीं देखे होंगे वो सिक्के आज देख लो ये लो तो। और यहाँ पे नोट भी मिल जाएंगे जापान लंदन अमेरिका। यहाँ पे मतलब आप दिल्ली के लाल किले के पास में चोर बाजार में आओगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी, मतलब सभी मिलेंगी, घड़ियाँ भी मिल जाएंगी देख सकते हो आप यहाँ पर, और फोन भी मिल जाएगा। फोन अभी देखते पता करते फोन कहाँ मिलेगा। तो गाइज फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद मुझे दो फोन नजर आए एयरटेल के और पता नहीं कौन सा, देखते हैं अभी। और आईफोन तो मिला नहीं, आईफोन एक लड़का ही बाहर बताया था बस। एयरटेल का दिखाना, आईटेल आईटेल हाँ दिखा दो मेरे को, दिखा दो। 1500 रुपये का ना, ये कितने का है? कितने का ये? 1500 रुपये का एयरटेल का। ओपन ही है ठीक है, ओपन ही है। कमेंट करके बताओ क्या मुझे ये पैंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये मात्र मेरे को 150 रुपये में मिल रही है, बहुत सस्ती है। तो मैं ये पैंट सोच रहा हूँ ले लूँ, पर थोड़ी सी कटिंग वटिंग करानी पड़ेगी मेरे को बस। 150 की ना भाई, मात्र 150 रुपये की हमारे भाई के पास में पैंट है। ये देखो कश्मीरी भाई ले, और ये देखो ये भाई ने पहना, कितने का मिला ये? 150 रुपये में। अरे वाह यार, जो चीज़ें 500-1000 रुपये में मिलती है वो यहाँ पे 150 रुपये में मिल रही है, 150-200 रुपये में। देखिए बहुत बड़ा मार्केट है यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड लगता है, देख सकते हो ठंडी भी लग रही है है ना। हाँ सच में यहाँ पे चोर घूमते क्या? ओ भाई चलिए, तो यहाँ पे संभल के आपको जो भी चीज़ें खरीदनी है तो संभल के खरीदना, बाकी चीज़ें मस्त मस्त मिल रही है यार यहाँ पर। ये देखो मेरे को सबसे ज़्यादा जो पसंद, ये देखो यहाँ पे ये जो सेटअप नज़र आ रहा है ना, ये बहुत शानदार लग रहा है। कितने का भाई ये वाला 2500 रुपये का सेटअप बता रहे भाई, देखो शानदार लग रहा है यार, मतलब बड़े घर में डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। मात्र ये वाली मेरे को पसंद आई है, मात्र 100 रुपये की है, सोच रहा हूँ मैं भी ले लेता हूँ। ये बता दूँ कि आपको ना दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो कपड़ा ही मिलेगा। मेरे को ये वाली चीज़ जो पसंद आई है बहुत ज़्यादा पसंद आई है, देखो ये वाला शानदार लग रहा है यार, मात्र ये भाई बता रहे हैं 200 रुपये में, ये बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। अगर हो सकेगा तो मैं ये ले लूँगा, यहाँ कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। जो यही चीज़ मैंने अजमेर में ले रहा था 700-800 रुपये की, पर ये 200 रुपये की दे रहे हैं। सही, और यहाँ सिर्फ 200 में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कैसी भी जैकेट लो, कैसी भी स्वेटर लो, बढ़िया स्वेटर मिलेगा नया 200 में। 200 रुपये में ये चीज़ फायदा है यहाँ पे आपको चोर बाजार में आने से। बता दूँ कि कई लोग यहाँ पे चोर बाजार के नाम से इसको बदनाम करते हैं, बाकी है ये चोर बाजार नहीं, यहाँ पे चोर की चीज़ें नहीं मिलती। इसको क्या कह सकते हैं भाई अपन? कबाड़ी बाजार, मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हो पुराने जो सेकंड हैंड चीजें होती है वो चीजें मिलती हैं यहाँ पर, यहाँ कबाड़ की चीजें मिलती है ज्यादातर, मतलब जो सेकंड हैंड चीजें होती है जो लोग यूज कर लेते हैं फिर बाद में यहाँ पर आती है, फिर वो अपने काम आती है। ओके भाई, तो गाइस आपको बता दूं पुराने सेकंड हैंड मोबाइल आपको मिलते हैं यहाँ पर, देख सकते हो कितने पुराने पुराने यहाँ पे दुकान में मोबाइल मिल रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो पुरानी चीजें चाहिए तो आपको मिल जाएगी आसानी से। थोड़ा आगे चलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप के सामान मिल रहे हैं, यहाँ पे लैपटॉप मिल रहा है देख सकते हो, यहाँ पे टीवी मिल रही है आप देख सकते हो। तो जो भी चाहिए मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ यहाँ पे मिलती है, वो आपके ऊपर कि आप कितना कम ज़्यादा करा सकते हो यहाँ पर। ये 2000 रुपये का देख लो, 2000 का बता रहे हैं, 1500 रुपये तक में दे देंगे देख लो। हमारा दोस्त है इसने कैमरा लिया, दिखाना कौन सा कैमरा लिया है। देखो भाई जाने लिया है मैंने तो। कितने रुपये का मिला ये कैमरा? मात्र 1500 रुपये का, बड़ा सस्ता है यार, मतलब ये कबाड़ी मार्केट है कुल मिला के ये कह सकते हो है ना। इसको इसका नाम रियल कबाड़ी मार्केट है, पर चोर मार्केट के नाम से लोगों ने फेमस कर रखा है ना। तो चालू तो है ना ये? चालू है भाईजान, बस खाली चार्जिंग नहीं है। अच्छा चलो, तो क्या करोगे इससे, वीडियो बनाओगे घर में? चलो क्या बता रहे हो, कितने बता रहे हो? 2500 रुपये एयर जॉर्डन है। ये इसका रियल प्राइस क्या होगा? उसे 25-30 हज़ार रुपये का जूता है। 25-30 हज़ार रुपये का जूता यहाँ पे कितने मिल रहा है? मात्र 2500 रुपये में, मतलब 2000 रुपये तक में आ जाएगा ये। ओह भाई गजब है यार। दूसरा दिखाना, दो कलर में। हाँ यार एक नंबर लग रहे यार, मतलब इतनी महंगी 25-30 हज़ार वाली चीज 2500 रुपये में, यही चीज है इसमें, इस मार्केट में ये फायदा है क्यों? होने क्या 500 रुपये में मार्केट में, कितनी 2000 रुपये की मार्केट में, 2000 की यहाँ पे 500 सही है यार। यहाँ पे देखो अल्ट्रा भी है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने वीडियो शूट कर ली है, अब हम कहाँ जा रहे और मार्केट में, मार्केट देखने के लिए। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है पूरा है, मार्केट दिखा दिया है, और अब आगे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी इंस्टाग्राम पे मिस करो मिस्टर खान अजमेर, और जैन साहिल खान फेसबुक है,
तो मिलते रहे सुनो भाई, अल्लाह। तो गाइस बाली में मार्केट में आया था तो पूमा का ओरिजिनल जूता मिला है मेरे को, देख सकते हो। ये मार्केट में कम से कम कितने रुपए का भाई? इसका आइडिया नहीं है। कितने का? कितने बता रहे? चलो कोई बात नहीं, होगा 5-7 हज़ार रुपए का, मुझे पता नहीं, कमेंट करके बताना। जो कि ये मेरे को पता कितने का मिल रहा है, मात्र 1,000 रुपए का। अभी कम ज्यादा करा के चेक करो, ये नहीं पता कि इंडिया की है या थाईलैंड से इंपोर्टेड है। देखो भाई काफी शानदार जूता है। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे मार्केट में ना 20 रुपए की चप्पल भी मिलती है और आपको 50 रुपए के जूते भी मिलते हैं यहाँ पे। मतलब मार्केट में आओगे ना तो काफी सस्ती और अच्छी चीजें मिल जाती है आप लोगों को। और मैं आपको बता दूं, ये जो भाई ने जैकेट पहनी है ना, मात्र पता कितने रुपए की? 100 रुपए की जैकेट है भाई ने लिया है, मात्र 100 रुपए की जैकेट। तो यहाँ पे काफी सस्ती चीजें मिलती है। दिल्ली के चोर बाजार में आओ, सस्ती चीजें लेके जाओ, मजा आ गया यार। और इन आंटी के पास जरूर आके जूते देखना, अच्छे जूते मिलते हैं। ये देखो एक चीज बता दूं, ये जूता ओरिजिनल है। ये पता कितने का? कितने घंटे होता है आपने? 850 का ओरिजिनल। इसका रेट होगा कम से कम 12-13 हज़ार रुपए का। तो यहाँ पे सेकंड हैंड मेरे को जूता मिल चुका है, आप देख सकते हो, जो कि कंपनी का है। कौन सा है? यम्मी का। तो मुझे मिल गया है जूता। तो मैंने सोचा कि मेरे जो जूते हैं ना, मेरे काम के तो है ही नहीं, मैं फेंकूंगा। एक सच्चा फेंकने सच्चा किसी गरीब का भला कर देंगे अपन, तो किसी गरीब को दे देंगे जो खुद पहनेगा। अगर मैं यहाँ मार्केट में फेंक देता ना तो कोई और इसको बेच देता। आ जाओ, मैं भी बेच के आता हूँ 50 रुपए में। बाबा चले जाओ वहीं पे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, मैंने नए जूते खरीद लिए। तो मैंने सोचा कि ये मेरे पुराने जूते को फेंकूंगा, इससे अच्छा मैं किसी गरीब को मदद कर देता हूँ। तो सामने मुझे कुछ गरीब बैठे हुए दिखे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, कुछ गरीब वैसे भी हैं जो मोहताज है, जो काम धंधा नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा उनकी मदद कर दूँ। तो मैंने उन लोगों को मेरे जूते भी दिए और कुछ पैसे उनको कैश भी दिए कि इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका सारा कोई नहीं है। अगर इन लोगों की मदद हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद करा करो, सुकून मिलता है भाई। पुण्य का काम करो थोड़ा सा, ये काम करने में मजा आता है। देखिए भाई, हम सुबह से आए हुए हैं, सुबह से शाम होने वाली है, मतलब दिन हो गई है। और ये देखिए इसकी दुकान, सारा होलसेल माल है। और फिर भूख लग जाए तो खाना खाते हुए भी जा सकते हो यहाँ से आप। 100 रुपए के 9 जोड़ी ना भाई, 100 रुपए के 9 जोड़ी भाई, बता रहे। देखो बहुत सस्ता माल बिकता है यहाँ पर। 100 रुपए में हाफ वाला, हाफ वाला 100 रुपए के 9 जोड़ी यहाँ पे मुझे बिक रहे हैं। और आपको बता दूं गाइस, अगर आम दिन में आप लोकल टाइम में आना चाहते हो ना यहाँ पे जामा मस्जिद के एरिया में, कि चोर बाजार आपको नहीं नजर आता है, तो फिर ये आपको रेगुलर मार्केट आपको नजर आ जाएगा। अभी पूछते किसी से, भाई ये तो रेगुलर मार्केट है ना, रोज लगता है ना ये मार्केट, हर पर डे, साल के 12 महीना। तो अगर आप लोग गाइस साल के 12 महीने में अगर आपको यहाँ पे मार्केट में आना है, साल के 12 महीने वाली है ना अपनी, ये 6 महीना लगा था बस। चलो कोई बात नहीं, साल के 6 महीने मतलब लगाता है भाई, बाकी और भी लगाते रहते हैं, ये पूरा मार्केट लगा रहता है। बाकी मेन जो चार बाजार है वो सिर्फ लगता है संडे के दिन, है ना भाई। ओके, हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग यहाँ पे खरीदारी कर ली, उसके बाद में अब हम लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं जामा मस्जिद की ओर, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पूरा आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखा दिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।